हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि MFA कोर्स क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MFA कोर्स के बारे में, जो कि एक मास्टर डिग्री कोर्स है जो कि 2 साल की ड्यूरेशन होता है। दोस्तों, फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद ये कोर्स किया जा सकता है। इस कोर्स में फाइन आर्ट्स से रिलेटेड आपको एजुकेशन दी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो MFA कोर्स करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आर्ट्स, डिजाइन, क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों में कैरियर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी MFA कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MFA कोर्स क्या है, MFA कोर्स करने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, साथ ही साथ इस कोर्स की फीस कितनी है, इसका सिलेबस क्या है और इस कोर्स को करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस कौन कौन से हैं और आपकी जॉब कहां कहां पर लग सकती है और आपकी सैलरी कितनी होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, MFA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है, जिसे हिंदी में ललित कला में मास्टर कहते हैं। ये एक मास्टर डिग्री कोर्स है जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का होता है। आमतौर पर इस कोर्स में 4 सेमेस्टर्स होते हैं। इस कोर्स के दौरान विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन आप लोगों को दी जाती है। दोस्तों, ये MFA कोर्स अलग अलग स्पेशलाइजेशन में किया जा सकता है, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, कंप्यूटर एनिमेशन, डिज़ाइन इत्यादि, जिसमें आप अपनी रुचि के अनुसार स्पेशलाइजेशन में BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बाद आप MFA कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को प्रोफेशनल बनाने के लिए स्किल्स सीखने के साथ साथ रोजगार पाने के लिए डिग्री होना भी जरूरी है। दोस्तों, स्किल्स के साथ साथ इस डिग्री को हासिल करने से रोजगार मिलना आसान हो जाता है और अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है। दोस्तों, बात करें MFA कोर्स करने के लिए किन किन एलिजिबिलिटीज़ यानी कि किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, तो दोस्तों, जो स्टूडेंट MFA कोर्स करना चाहते हैं उनके पास जरूरी योग्यताएँ होनी चाहिए, तभी MFA कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। दोस्तों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो MFA कोर्स करना चाहते हैं उनके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पैरेलल ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप MFA कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50-60% मार्क्स होने चाहिए। हालांकि परसेंटेज क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, कुछ प्रतिष्ठित और सरकारी कॉलेजेस इस कोर्स के लिए अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स आयोजित करते हैं। दोस्तों, अन्य सभी कॉलेजेस ग्रेजुएशन डिग्री में प्राप्त मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और उसी के अनुसार एडमिशन देते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं MFA कोर्स करने के लिए आपके पास किन किन स्किल्स का होना जरूरी है, तो दोस्तों, MFA कोर्स करने के लिए आपके पास एक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास विजुअलाइजेशन की स्किल्स होनी चाहिए और डिस्प्ले स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास आर्टिस्टिक स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास सिंगिंग का स्किल्स होना चाहिए, स्केचिंग स्किल्स होना चाहिए, इनमें से किसी एक स्किल्स का होना जरूरी है। दोस्तों, आपके पास या फिर ड्राइंग का स्किल होना चाहिए, आपके पास क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए या फिर आपके पास क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास इन सभी स्किल्स में से कुछ भी स्किल्स हैं तो आप MFA कोर्स करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, बात करें MFA कोर्स करने के लिए देश भर में टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं, तो दोस्तों, ये एंट्रेंस एग्जाम्स हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट LPU नेस्ट, और दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी कि BHU PET, और जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि JNFU, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो कि आपके MFA कोर्स में एडमिशन प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाएगी।
दोस्तों MFA कोर्स में आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कॉलेज के द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप ग्रेजुएशन में प्राप्त मार्क्स के आधार पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज के द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम को आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपको आपके कॉलेज आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के आधार पर कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन डिग्री में प्राप्त मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने होंगे, क्योंकि कई कॉलेजेस ग्रेजुएशन डिग्री में प्राप्त मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और उसी मेरिट लिस्ट के अनुसार कॉलेज में एडमिशन देते हैं। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में MFA कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। MFA कोर्स की फ़ीस पूरी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज पर निर्भर करती है, क्योंकि हर कॉलेज का सिलेबस दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अलग होता है और कॉलेज की सर्विसेज भी अन्य कॉलेजेस से अलग अलग होती हैं। यही मुख्य कारण है कि MFA कोर्स की फ़ीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। फिर भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस 15,000 से 30,000 के बीच हो सकती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में इस कोर्स की फीस 50,000 से 2 लाख के आसपास हो सकती है। दोस्तों आपकी रुचि के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट में इस कोर्स को स्पेशलाइजेशन के साथ पढ़ाया जा सकता है। हर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। दोस्तों बात करें MFA कोर्स आप किन किन स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, तो दोस्तों आप MFA इन अप्लाइड आर्ट्स कर सकते हैं, MFA इन पेंटिंग कर सकते हैं, MFA इन विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, MFA इन आर्ट एंड हिस्ट्री कर सकते हैं, MFA इन एक्टिंग कर सकते हैं, MFA इन डांस कर सकते हैं, MFA इन क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, MFA इन फोटोग्राफी कर सकते हैं, MFA इन फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, MFA इन डिज़ाइन के क्षेत्र में कर सकते हैं आप, MFA इन टेक्सटाइल डिज़ाइन के क्षेत्र में कर सकते हैं, MFA इन पोट्री एंड सिरामिक्स के क्षेत्र में कर सकते हैं, MFA इन स्कल्पचर कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र हैं जिनमें आप MFA कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को MFA कोर्स के सिलेबस के सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं। दोस्तों MFA कोर्स में आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि मुख्य सब्जेक्ट होते हैं और ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों बात करें कोर सब्जेक्ट्स यानी कि मुख्य सब्जेक्ट की, तो आपके मैकेनिज्म ऑफ आर्टिस्टिक परसेप्शन, एस्थेटिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट अप्रिसिएशन, प्रिंसिपल्स एंड सोर्सेज ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर और हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन आर्ट। और दोस्तों बात करें इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि ऐच्छिक विषय की, तो ये सब्जेक्ट्स हैं फोटोग्राफी, एक्टिंग, इलस्ट्रेशन, कंप्यूटर एनिमेशन और क्रिएटिव राइटिंग। दोस्तों बात करें MFA कोर्स के सिलेबस की, तो दोस्तों इसमें आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं। बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन आर्ट पेपर 1, ऑक्सीडेंटल एस्थेटिक्स, एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, विजुअलाइजेशन, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी इनमें से कोई एक, और क्रिएटिव पेंटिंग, म्यूरल डिज़ाइन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप इनमें से कोई एक। दोस्तों बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन आर्ट पेपर 2, ओरिएंटल एस्थेटिक्स पेपर 2, एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस पेपर 2, विजुअलाइजेशन, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, क्रिएटिव पेंटिंग, मुरल डिज़ाइन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप इनमें से कोई एक पेपर। और थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें, तो इसका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट पेपर 1, एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस पेपर 3, ओरिएंटल एस्थेटिक्स पेपर 1, विजुअलाइजेशन पेपर 3, इलस्ट्रेशन पेपर 3 और फोटोग्राफी पेपर 3। और दोस्तों बात करें फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट पेपर 2, ओरिएंटल एस्थेटिक्स पेपर 2, विजुअलाइजेशन पेपर 4, इलस्ट्रेशन पेपर 4, फोटोग्राफी पेपर 4 और एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस पेपर 4। दोस्तों बात करें MFA कोर्स करने के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस की, तो मैं इन कॉलेजेस के नाम आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये कॉलेजेस हैं KK यूनिवर्सिटी नालंदा, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, अमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी,
मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा नोएडा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा और कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर एमएफए कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस मास्टर डिग्री के माध्यम से स्किल से रिलेटेड अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों बात करें एमएफए कोर्स पूरा करने के बाद आप किन किन पदों पर यानी कि किन किन पोस्ट पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों आप एमएफए कोर्स करने के बाद स्क्रिप्ट बन सकते हैं, आप फर्नीचर डिजाइनर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस वर्कर बन सकते हैं, आप म्यूजिक टीचर बन सकते हैं, प्रोडक्शन आर्टिस्ट बन सकते हैं, सीनियर आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, सेट डिजाइनर बन सकते हैं, आर्ट कंजर्वेटर बन सकते हैं, आप स्केचिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप आर्ट कंजर्वेटर बन सकते हैं, मल्टीमीडिया मास्टर बन सकते हैं, 3D आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप आर्ट क्रिटिक बन सकते हैं, आप आर्ट टीचर बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, आप आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, ड्राइंग टीचर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, आप ग्राफिक आर्टिस्ट बन सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं और आप स्केचिंग आर्टिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। दोस्तों ये कुछ जॉब के पोस्ट हैं जिन्हें आप एमएफए कोर्स करने के बाद आप इन पदों पर काम कर सकते हैं। दोस्तों एमएफए कोर्स के बाद सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी उनके जॉब एरिया और पोस्ट पर निर्भर करती है, फिर भी देखा जाए तो इस क्षेत्र में सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ जॉब पोस्ट और उनकी एवरेज सैलरी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। दोस्तों बात करें ग्राफिक डिज़ाइनर की तो इनकी एवरेज सैलरी 3,52,000 रुपये होती है और सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर की तो इनकी एवरेज सैलरी 6,90,000 रुपये के आसपास होती है और 3D आर्टिस्ट की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी एवरेज 4,00,000 रुपए के आसपास होती है और आर्ट डायरेक्टर की एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 6,50,000 रुपए के आसपास होती है। आर्ट टीचर की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 3,25,000 रुपए के आसपास होती है और क्रिएटिव डायरेक्टर की सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 10,00,000 रुपए के आसपास होती है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर की सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 3,00,000 रुपए के आसपास होती है। स्ट्रेटजी एनालिस्ट की सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 6,25,000 रुपए के आसपास होती है और फैशन डिज़ाइनर के सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 6,00,000 रुपए के आसपास होती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एमएफए कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक एक कर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है एमएफए का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएफए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है। और दूसरा प्रश्न है एमएफए कोर्स करने के बाद क्या करें, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप एमएफए कोर्स पूरा करने के बाद फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं तो आप भविष्य को आप सिक्योर करने के लिए आपके पास कैरियर ऑप्शन के रूप में कई ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आगे की डिग्री में जैसे आप PhD या फिर MPhil कर सकते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर में आप स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए PG DCA ADCA जैसे आप कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मैनेजमेंट में रुचि है तो आप PGDM जैसे डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है एमएफए कोर्स की फ़ीस कितनी है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकारी कॉलेजेस में एमएफए कोर्स की फ़ीस 15,000 से 30,000 के बीच हो सकती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस 50,000 से 2,00,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और चौथा प्रश्न है एमएफए कोर्स कितने साल का होता है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएफए कोर्स ये एक मास्टर डिग्री कोर्स है जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का होता है। और पाँचवा प्रश्न है एमएफए कोर्स में कितने सेमेस्टर्स होते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएफए कोर्स में कुल 4 सेमेस्टर्स होते हैं। और छठा प्रश्न है एमएफए कोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएफए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसे हिंदी में ललित कला का मास्टर कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना एमएफए कोर्स क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।